कल यानी 28 नवंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले के पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अखिल भारतीय महात्मा समता परिषद द्वारा दिया गया। परिषद का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का आभास कराता है जिसका मैं निर्वहन करूँ। मैं भानु तिवारी आप सब करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शार्प जर्नलिज्म में। आने वाले हैं ऐसे समाज सेवी, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना करी, जिन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, जिन्होंने पुनर्विवाह पर जोर दिया। यह एक ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी है जिन्होंने ऐसे दोषों को मिटाया जो समाज को खोखला करते जा रहे हैं। इन्होंने जातिवाद को मिटाने पर अपना समर्थन दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस कृत्य का भी विरोध किया जहां पर विधवाओं के बाल काटे जाते थे। 19वीं शताब्दी में एक ऐसे वर्ग जिन्हें शिक्षा से अलग रखा जाता था उस वर्ग को ज्योतिबा फुले ने शिक्षा दिया। तो उसी दौर पर जहाँ पे आडंबरवाद अंधविश्वास चरम पद पर था, तो उसी दौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसका पुरजोर विरोध किया। विद्या बिन गई मति, मति बिन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया वित, वित बिन चरमराए शुद्ध इतने अनर्थ। तो इसी कथन के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे शार्प जर्नलिज्म में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।